नमस्ते व्यूअर्स, मैं वैशाली सिंघल आज हैप्पी हैप्पी घर में आपके लिए लेकर आई हूँ चैत्र कृष्णा पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आइए सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है? श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहां गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहां क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहां मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहां अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजूघोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। मंजूघोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी कर्दनी और नूपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुखवाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातःकाल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि की इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन, जब तक मैं संध्या करूं, तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, वह समाप्त हुई कि नहीं, मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के सामान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और बोले कि तू पिशाचनी हो जा, हे पापिन, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दुग्ध सुंदर भ्रिकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे विप्र, आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामिन, मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है, हे भद्रे, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया, सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है, अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी होती है, हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा
स्वर्ग को चली गई। इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप एकादशी माता की आरती सुनना चाहें तो आपके स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहां जाकर आप मेरी आवाज में यह आरती सुन सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप इस आरती को देख सकते हैं। यदि आप एकादशी की कथा की किताब खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अमेज़न लिंक भी दिया गया है, वहां से आप इसकी पुस्तक खरीद सकते हैं। नमस्ते।